नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर वन और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा, और बड़ी बहस के साथ मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। महापुरुषों के नाम पे प्रदेश का सियासी पारा एक बार फिर से गर्मा गया है और नया विवाद हिसार के चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के साथ जुड़ा हुआ है। दरअसल विश्वविद्यालय के 2022 के कैलेंडर से चौधरी चरण सिंह का फोटो गायब था। अब इस मामले पर सोशल मीडिया में जब यह मामला सुर्खियों में आया तो राजनीतिक दल भी इस विवाद में सामने आ गए। विश्वविद्यालय ने हालांकि सफाई को जारी करते हुए गलती को सुधार भी लिया, लेकिन विपक्ष को सरकार को घेरने का मौका मिल गया। कांग्रेस ने महापुरुषों के अपमान का आरोप लगाते हुए सरकार को घेरा तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने गलती करने वालों पर कार्रवाई करने की बात कही। किसान नेता राकेश टिकैत ने भी अपमान का आरोप लगाया तो जेजेपी की यूथ विंग एनसो ने भी गलती सुधारने के लिए 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया। अब किरण चौधरी ने एचएयू के साथ साथ चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी भिवानी के भी मुद्दे को इसके साथ उठाया। दो कैलेंडर हम आपको दिखा रहे हैं। पहला कैलेंडर है जिसमें आप देख सकते हैं कि चौधरी चरण सिंह की जो फोटो है वो नहीं थी। हालांकि जब यह मामला सोशल मीडिया के जरिए सुर्खियों में आया तो उसके बाद इस गलती को तुरंत सुधारा गया, लेकिन तब तक आप देख रहे हैं कि इस पर जो बयानबाजियां हैं वो शुरू हो चुकी थी कांग्रेस से लेकर के तमाम लोगों के द्वारा। इसको लेकर के जो अपना एतराज है वो जताया गया। न सिर्फ कांग्रेस पार्टी ने इसका विरोध किया बल्कि राकेश टिकैत ने भी इसको लेकर के सवाल उठाए, क्योंकि चौधरी चरण सिंह की फोटो यहां से गायब थी और इस वजह से इसको लेकर के पूरा विवाद हुआ। महापुरुषों का अपमान किया जा रहा है ये बात कही गई, साथ ही साथ भिवानी के मुद्दे को भी उठाया इसमें किरण चौधरी ने इसके साथ जोड़ा, और इस तरह से ये मामला और ज्यादा आगे बढ़ता हुआ दिखा। हालांकि यूनिवर्सिटी के कैलेंडर से चौधरी चरण सिंह का जो फोटो है वो गायब था और उसके बाद ही ये विवाद शुरू हुआ था, लेकिन मामला जब बढ़ा है तो दोबारा से इस कैलेंडर पर ये जो फोटो है चौधरी चरण सिंह का वो प्रिंट करवाया गया, लेकिन सवाल तब तक उठने शुरू हो चुके थे। और अब यह सवाल है कि एचएयू का ये जो कैलेंडर है उसमें आखिर किसकी गलती की वजह से ये जो फोटो है वो गायब हुआ, और उसके बाद जो विवाद है वो अभी फिलहाल थमता हुआ दिख नहीं रहा है। तो कुल मिलाकर के यूनिवर्सिटी प्रबंधन की तरफ से अब इस पर सफाई भी दी गई है। हालांकि ये जानकारी नहीं थी, ये बात यूनिवर्सिटी प्रबंधन ने भी कही है। अब चौधरी चरण सिंह के नाम पर ये एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, लेकिन उसके ही कैलेंडर से अगर चौधरी चरण सिंह का फोटो गायब हो तो जाहिर बात है इस पर राजनीति होना लाजमी है, और वो राजनीति समय सामने आ रही है। हालांकि अभी इस गलती को स्वीकार कर लिया गया है, इस गलती को सुधारा भी गया है। चौधरी चरण सिंह का जो फोटो है वो दोबारा से आपको एचएयू के इस कैलेंडर पर नजर आएगा, लेकिन अब ये गलती हुई कैसे है और जो आरोप कांग्रेस पार्टी की तरफ से लगाए जा रहे हैं कि महापुरुषों का अपमान किया जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी महापुरुषों का अपमान कर रही है, इसके क्या मायने समझे जाएं? ये ऐसी बात है कि ऐसी भूल नहीं की जानी चाहिए थी, ये बड़ी गलती है और इस गलती को तुरंत सुधार कर और नया कैलेंडर छाप कर बांटना चाहिए, और किसने ये गलती की है ज़रूर उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। महापुरुषों जिनके नाम पर विश्वविद्यालय हैं, जिन भी के नामों पर विश्वविद्यालय हैं, उन महापुरुषों का बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से, बंसीलाल जी के नाम से, चौधरी चरण सिंह के नाम से, हमने जिन जिन महापुरुषों के नामों से विश्वविद्यालय बनाए हैं उन विश्वविद्यालयों का चित्र सदैव जो है उन कैलेंडरों पर रहना चाहिए। चौधरी बंसीलाल जी की फोटो, तो महापुरुषों के नाम पर यह सियासत क्यों हो रही है यह अहम सवाल है। गलती सुधारने के बाद हालांकि ये जो बयानबाजी हो रही है उसके क्या मायने हैं? ओपी धनखड़ ने भी इस बात को स्पष्ट कर दिया कि हर हाल में ये फोटो होनी चाहिए, लेकिन गलती करने वालों पर कार्रवाई भी होगी, ये बात भी ओपी धनखड़ ने कही। चौधरी बंसीलाल जी की फोटो चौधरी बंसीलाल जी यूनिवर्सिटी भिवानी के कैलेंडर से जो हटाई गई है ये बहुत ही निंदनीय है, और गठबंधन सरकार जो बीजेपी की है उसकी ये ओछी मानसिकता को अच्छी तरह से दर्शाती है। चौधरी बंसीलाल जी हरियाणा के निर्माता थे ये सब जानते हैं, और इतिहास को मिटाने की कोशिश जो ये बीजेपी सरकार करने की कोशिश कर रही है ये कामयाब कभी नहीं होगी, क्योंकि इतिहास को आप बदल नहीं सकते। इसी तरह से एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में चौधरी चरण सिंह जी की भी फोटो जो हटाई गई वो भी बहुत बड़ा अपमान है। मैं तो केवल एक बात कहना चाहूंगी कि ये जो वीसी भी है इसकी भी बहुत ही घटिया और ओछी सोच जो है ये दर्शाती है, तो ये किस तरह से ये बच्चों को आगे पढ़ाएंगे। मैं केवल ये बात कहना चाहती हूँ कि आने वाले समय में
लोग ये सारी चीजें देख रहे हैं और जो ये पहली ऐसी सरकार है कि सरकार जो है इतिहास बदलने की कोशिश कर रही है, सरकारें आएंगी जाएंगी। और आज की बहस का सवाल है, उस पर नजर डालते हैं, उसके बाद चर्चा में आगे बढ़ते हैं। एचएयू के कैलेंडर में आखिर ये चूक कैसे हुई है, ये सवाल अभी भी बरकरार है। हालांकि इस गलती को सुधारा भी गया है, इसमें जांच की बात भी कही गई है। सवाल दूसरा ये है कि महापुरुषों के नाम पर आखिर ये सियासत क्यों हो रही है, क्योंकि न सिर्फ चौधरी चरण सिंह बल्कि बंसीलाल को लेकर के भी सवाल कांग्रेस पार्टी ने उठाए हैं। गलती सुधारने के बाद भी जो बयानबाजियां हो रही हैं उसके क्या मायने समझे जाएं, आज इन्हीं तमाम सवालों के साथ आज की चर्चा की शुरुआत करते हैं। सभी मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं, उनका परिचय पहले आपके साथ करवा देते हैं। वंदना पोपली जी हमारे साथ जुड़ रही हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी की। वंदना जी बहुत स्वागत है आपका चर्चा में। बजरंगदास गर्ग जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। बजरंगदास गर्ग जी आपका भी स्वागत है। भाग सिंह दमदमा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं जेजेपी के। भाग सिंह दमदमा जी आपका भी स्वागत। और विजेंद्र रेडू जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं इंडियन नेशनल लोकदल के। विजेंद्र रेडू जी आपका भी स्वागत है। वंदना जी आपसे इस चर्चा की मैं शुरुआत करना चाहूंगा, चूंकि चौधरी चरण सिंह की फोटो गायब हुई और उसके बाद हम लोगों ने देखा कि सोशल मीडिया पर जब ये मामला उठा तो उसके बाद दोबारा से उस गलती को स्वीकार करते हुए फोटो हमको वहां पर अब नजर आती है, लेकिन साथ में कांग्रेस ने उसमें बंसीलाल के मुद्दे को भी जोड़ा कि किस तरह से भिवानी के अंदर भी इसी तरह से कैलेंडर से बंसीलाल की जो फोटो है उसको गायब किया गया। ये महापुरुषों को लेकर के जो सवाल उठना और खासतौर से भारतीय जनता पार्टी को लेकर के जो सवाल उठाए जा रहे हैं, आपका इस पर रिएक्शन चाहता हूं मैं। वंदना जी पहले, अगर किसी भी यूनिवर्सिटी में कोई भी अगर कैलेंडर छपता है तो उसमें सरकार का कोई इंटरवीन नहीं होता, क्योंकि यूनिवर्सिटी जो है अपने आप में स्वायत्त संस्था है, उनका काम है, उनके वाइस चांसलर रहते हैं, उनका काम होता है इन सब चीजों को देखना। मैं देख पा रही थी जब चौधरी चरण सिंह की यूनिवर्सिटी में ये सब मामला हुआ था, तो मैं उनका पूरा जो वहां पर लोग पहुंचे थे उन्होंने अपनी आपत्ति जताई थी, तो उस समय यूनिवर्सिटी की तरफ से जो उनके प्रवक्ता थे या जो उनके ओएसडी आए थे वाइस चांसलर के, तो उन्होंने बहुत क्लियरली कहा था कि हमने जो कैलेंडर है वो बाहर से छपवाए हैं, उसमें अगर कोई गलती हो गई है तो हम उसको मान लेते हैं और हम सोमवार तक जो कैलेंडर है वो दोबारा से छपवा देंगे। लेकिन एक इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर और है आयुष, कि जो हमारे लीडर्स हैं उनके चित्र वहां पर होने चाहिए, उससे कोई इनकार नहीं कर रहा। अभी आपने ओम प्रकाश धनखड़ जी को भी सुना, उन्होंने भी कहा कि जो चित्र है वहां पर होना चाहिए, अगर कोई गलती है तो उस पर एक्शन भी लिया जाना चाहिए, और जिसने गलती की है उसने गलती भी मानी है, यूनिवर्सिटी की तरफ से गलती भी मानी गई है। लेकिन एक बड़ी बात है जिस पर मैं यहाँ पर जरूर अपना विषय रखना चाहूंगी कि चित्र को हटाया गया या पहले से चित्र नहीं थे, कभी भी कैलेंडर पे चित्र नहीं होते थे। तो इसमें मैं डीप में गई, मैंने यूनिवर्सिटी में बात की तो मुझे पता चला, मेरे पास कुछ फोटोग्राफ्स भी हैं पुराने कैलेंडर्स की जो उन्होंने मुझे भेजी हैं, कि पहले उस पर कोई भी किसी तरह की पिक्चर्स नहीं हुआ करती थी। अगर आप चाहें तो मैं आपको यहाँ पर मोबाइल में उसको दिखा भी सकती हूँ। ये अगर आप देखें तो 2014 का ये कैलेंडर है, इसमें पिक्चर नहीं है। तो मुझे लगता है कि इस तरह के आरोप लगाना कि पिक्चर हटा दी गई है, उनकी तस्वीर को हटा दी गई है, तो ऐसी कोई मंशा ना तो हमारी सरकार की है, और अगर यूनिवर्सिटी में अगर ऐसा कुछ हुआ है तो जन भावना को देखते हुए उन्होंने इसको मान लिया कि ये गलती हुई है, और एक तस्वीर जो है वो जरूर होनी चाहिए, चाहे चौधरी चरण सिंह जी की है या बंसीलाल जी की है, तो तस्वीर वहां पर होनी चाहिए, और अगर इसमें भी कहीं पर किसी से कोई गलती हुई है तो उसको भी जरूर दंडित किया जाएगा। लेकिन इसको आप भारतीय जनता पार्टी की भावना से नहीं जोड़ सकते कि महापुरुषों का अपमान हो रहा है। महापुरुषों का अपमान कभी भारतीय जनता पार्टी कर नहीं सकती, सम्मान करने में हम सबसे आगे रहते हैं। आपने देखा होगा कि अभी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती हमने कितने धूमधाम से पूरे हरियाणा में मनाई, तो कोई भी ऐसे महापुरुष है जिन्होंने हमारे लिए कॉन्ट्रीब्यूट किया, तो उसके लिए हम हमेशा आगे रहते हैं। और हरियाणा की यहाँ पर मैं बात करूं, जन भावना को देखते हुए यूनिवर्सिटी ने तुरंत अपनी गलती मानी और उन्होंने नया कैलेंडर छपने की बात कर दी, और उन्होंने दिन नहीं, लेकिन वंदना जी अभी एक जो नया ट्रेंड हम लोग देख पा रहे हैं या जो मैं कम से कम ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ, अब तो ये भी पता चलने लगा है कि कौन सी पार्टी के कौन से महापुरुष हैं, वरना मैंने तो जहां तक जाना था या पढ़ा था महापुरुष तो देश के हुआ करते थे। बजरंगदास गर्ग जी आपका रिएक्शन चाहूंगा मैं। आयुष जी बिल्कुल बड़ा अच्छा सवाल किया आपने, महान पुरुष जो होते हैं देश के होते हैं, और जहां तक कि हमने देखा चौधरी चरण सिंह जी जो थे उन्होंने देश की आजादी के लिए भी संघर्ष भी किए और कई बार जेल भी गए हैं, और जहां तक किसान और अपने गरीबों के मसीहा थे, अनेकों कल्याणकारी योजना उन्होंने अपने समय में लागू की, क्यों कई बार वो मुख्यमंत्री रहे उत्तर प्रदेश के, देश के प्रधानमंत्री भी रहे। जहां तक ये कैलेंडर का सवाल है, मैं इस पर कोई राजनीतिक बात नहीं करूंगा, पर एक बात जरूर कहूंगा, इतनी बड़ी गलती, मैं गलती मान लो आप,
इतनी बड़ी गलती कोई अपने स्तर पे वीसी कर सकता है क्या? ये बड़ी चिंता विषय है। बंसी लाल जी का चित्र हटा दिया उन कैलेंडर के ऊपर से, यहां हटा दिया, यहां तक कि आप ये देखोगे एक बहन जी कहती थी बीजेपी तो हमेशा महान पुरुषों का आदर करते हैं। कहां आदर करते हैं? इन्होंने गांधी जी को कोसने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आप ये कहते जो हमारे बापू राष्ट्रपिता बापू महात्मा गांधी जी है जिन्होंने एक संगोटी देश आजाद कर दिया करवाया, उनके लिए भी बीजेपी इनके विचार सुन लोगे आप देखते तंग रह जाओगे। नथुराम गोडसे को तो पूछते हैं और गांधी जी के बारे में जो इन्होंने प्रचार किया इसकी पार्टी ने, आप मतलब कोई आदमी सुन भी नहीं सकता। ये महान पुरुष जो है, जितने देश के महान पुरुष है उनके खिलाफ इन्होंने एक षडयंत्र रच रखा है कि कोई भी इनकी जो जीवनी है इनको जीव दूर करो देश को, इनको इनके जिससे पता ना लगे, और ये अपने आप को आगे लाना चाहते हैं। लेकिन गर्ग साहब, उन्होंने कैलेंडर का जब जिक्र किया, गर्ग साहब देखिए अभी वंदना जी बता रही मेरे पास वो जानकारी नहीं है, उन्होंने वो जानकारी जुटाई है, वो ये कह रही कि 2014 में भी देखिए वहां कैलेंडर के अंदर फोटो नहीं थी। उनका कोई ऐसा मोटिव नहीं है कि उन्होंने जानबूझ के हटा दिया। आयुष जी मैं यही बताना चाहता हूँ, बहन जी ने जो कैलेंडर दिखाया उसमें किसी की फोटो नहीं है। जब फोटो लग रही है चरण सिंह जी की, फोटो को हटाना, आप ये सोचिए एक बीसी की ताकत है क्या बगैर सरकार के इशारे से इतना मोटी गलती कर ले, जो पूरे देश का किसानों का और गरीबों का मसीहा हो, जिनको लोग पूछते हो, और आज इतना बुरा हालात देश के अंदर चल रहे हैं। सबसे मोटी बात ये है, राजनीतिक बात आपको हो गई, राजनीतिक बात आ गई, क्योंकि ये जो किसान जो है किसान के खिलाफ सरकार है, और इसलिए किसान के खिलाफ सरकार होने के कारण किसान इनके खिलाफ है। इस चक्कर में इन्होंने क्या कहा बंसी लाल जी, क्या मतलब था? जो हरियाणा के निर्माता है बंसी लाल जी, उनका कैलेंडर फोटो डाल दिया है, ये भी कोई सोचने की बात है? अब आपको महात्मा गांधी जी वास्ते मैंने जो बताया आपको कितना इन्होंने कलसल प्रचार किया है। बजरंग दास गर्ग जी, अब आपने इसको किसानों के साथ जोड़ा, चुके अब चौधरी चरण सिंह जी भी किसानों के बहुत बड़े नेता रहे, और उसके अलावा बंसीलाल का भी आपने जिक्र किया, अब इस पर राजनीति क्यों हो रही, थोड़ा और मैं समझूंगा वंदना जी से। भाग सिंह दमदमा जी, क्या जानबूझ करके हुआ है, किसकी गलती है, महापुरुषों को लेकर के जो सवाल अभी इस समय उठ रहे हैं कैसे देखा जाए, आपका रिएक्शन चाहता हूं मैं। देखिये आयुष जी, जो हुआ वो बड़ा गलत, चौधरी चरण सिंह जी ने देश को दिशा और किसानों के मसीहा रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अभी जैसे बहन वंदना जी ने भी बताया था कि ऑटोनॉमस बॉडी है जो यूनिवर्सिटीज होती है, एक बार जैसे नियुक्ति जरूर एक प्रक्रिया में होती है, नियुक्ति करने के बाद वो स्वतंत्र होती है अपने कार्य करने, लेकिन कहीं ना कहीं भी सरकार का भी एक दायित्व बनता है, यदि कोई गलत तरीके से काम कार्य करता है तो उसके बारे में जरूर उचित कदम उठाए जाने चाहिए। और मैं मानता हूं कि ये जो गलती की है जिसने भी, और जिस प्रकार से वहां पे वाइस चांसलर जी के वाइस जी खुद आए और उन्होंने इस पे पूरी तरह से खेल प्रकट किया कि इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं, और चार दिन के समय के अंदर सारे कोई स्टिकर नहीं लगेगा, इस कैलेंडर को बदला जाएगा। जिस प्रकार से हमारे जो हमारे मुख्य महासचिव अधिविजय चौटाला जी ने भी परसों एक वीसी के अंदर क्लियर कहा, और डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने भी, दुष्यंत चौटाला जी ने भी, कि ये स्टिकर नहीं होगा, इसके कैलेंडर बदले जाएंगे, और उसी के उस पर हमारी पूरी सरकार, माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी और दुष्यंत चौटाला जी ने मिलकर हमारे जो देश के हमारे महान विभूतियां हैं उनके सम्मान में सरकार कहीं कसर नहीं छोड़ रही। लेकिन इसके अंदर जहां गलती हुई है उनके ऊपर कार्रवाई की जरूर बात है, और जिस प्रकार से यूनिवर्सिटीज माननीय गवर्नर साहब के क्षेत्र अधिकार में आती है, तो पूरी तरह से हम इस बारे में पार्टी भी, और मैं कहता हूं कि पूरी सरकार इस पक्ष में है कि जिन लोगों ने वो गलती किस प्रकार से हुई है, एक मिस्टेक अचानक बाहर से छुपवाई है, उन्होंने गलती की है या किस प्रकार से गलती की गई है, इसकी पूरी पड़ताल के अंदर जाकर जिन्होंने गलती की है मेरा मानना है उनके ऊपर कार्रवाई 101% उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। विजेंद्र रेडू जी, आपका भी एक रिएक्शन चाहता हूं मैं। हाँ आई जी, सर्वप्रथम आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। जिस प्रकार से यूनिवर्सिटी ने ये कैलेंडर तैयार करवाया है और ये कैलेंडर को छपवाने का काम किया, और जिस एक साजिश के तहत चौधरी चरण सिंह जी का फोटो इसमें नहीं लगाया गया, मैं ये नहीं कहूंगा कि गलती हुई, गलती बिल्कुल नहीं हुई है, ये बिल्कुल एक साजिश के तहत इस फोटो को हटाया गया है। क्योंकि देखिए, अगर गलती होती तो इस मुद्दे को यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट विनय ने सर्वप्रथम उठा दिया था,
कि आप इसका फोटो मत हटाइए, इसको रख दीजिए। तुरंत प्रभाव से उसका दूर दराज क्षेत्र में ट्रांसफर कर दिया गया। इसके बाद वहां के जो होटा का प्रेसिडेंट है, उन्होंने इस मुद्दे को उठाया, उसको दबा दिया गया। आयुष जी, यदि ये गलती होती, जब किसानों ने इस मुद्दे को उठाया और वीसी के ऑफिस में जाकर के इसका विरोध दर्ज करवाने का काम किया गया, तो उस टाइम उन्होंने इसके ऊपर स्टिकर लगाने का काम किया। स्टिकर लगा करके स्टिकर वाला कैलेंडर किसानों को सौंप दिया गया कि लो भाई ये फोटो हमने लगा रखा है, कोई गलती नहीं हुई, फोटो नहीं छूटा। जब उन किसानों ने उस स्टिकर को उखाड़ करके देखा और दिखाया उसको कि ये देखिए जनाब, ये तो स्टिकर लगा रखा है, फोटो नहीं छपवा रखा, तब उन्होंने कहा, तब जाकर के उन्होंने कहा है कि ठीक है, हम दोबारा से कैलेंडर छपवा देंगे, सभी कैलेंडर को ऑफिशियली उन्होंने कॉल बैक करेंगे और नया कैलेंडर हम छपवाने का काम करेंगे। इसके बाद जो वहां के ओएसडी है अशोक धींगड़ा जी, वो किसानों के बीच में आए हैं और आकर के उन्होंने फिर कहा कि हमसे गलती हुई। तो ये शब्द जो आयुष जी, जो हमसे गलती हुई, ये शब्द मैं ये जानना चाहता हूं अपने को पैनलिस्ट भाइयों से कि जब कोई यूनिवर्सिटी का कैलेंडर बनता है जो कि एशिया लेवल है, उसकी 10 बार जो प्रूफ है ना, उसको अप्रूव करवाया जाता है कि इसको अप्रूव करेंगे, 10 अधिकारी उसको अप्रूव करते हैं एंड आफ्टर दैट उसकी गवर्नमेंट से अप्रूवल भी ली जाती है। मान लिया कि यूनिवर्सिटी ऑटोनोमस बॉडी है, गवर्नमेंट का हस्तक्षेप नहीं है, बट आप देखिए वीसी साहब करनाल से चल करके आते हैं और एक पुराने संघी वीसी साहब है। मैं नहीं मानता आयुष जी, मैं बिल्कुल नहीं मानता कि किसी भी यूनिवर्सिटी का जो वीसी है वो हरियाणा के मुख्यमंत्री की अप्रूवल के बगैर वो कैलेंडर निकाल दिया होगा। बेशक ये ऑटोनोमस बॉडी है, आई अंडरस्टैंड इट वेल, लेकिन फिर भी मंत्री और मुख्यमंत्री से परमिशन लेकर के ही ये बनाया गया है और सरकार के दबाव के आगे। लेकिन विजेंद्र रेडू जी, ये तो आधार बताना पड़ेगा ना, चूंकि जब आप एक तरफ ये मानेंगे विजेंद्र जी कि भाई देखिए ये ऑटोनोमस बॉडी है, लेकिन आप ये मान नहीं सकते, इसका आधार क्या है? आधार साफ है बिल्कुल भाई, बिल्कुल साफ आधार है कि अगर ये गलती होती तो ये स्टिकर नहीं लगवाने का प्रयास करते तुरंत, क्योंकि ये स्टिकर किसी आम कोई वहां का साइंटिस्ट नहीं था, कोई प्रोफेसर नहीं था कि भाई चलो स्टिकर लगा दो कोई बात नहीं। जिसके नाम से यूनिवर्सिटी खड़ी की गई है, जो देश के पांचवें प्रधानमंत्री रहे हैं, जो किसान मसीहा हैं, जो पूरे, चलिए गंभीर आरोप लगाया है आपने, मैं इसका जवाब लेता हूं। वंदना पोपली जी, जवाब लीजिए स्पष्ट रूप से। ठीक है विजेंद्र जी, अब मैं जवाब लेता हूं। विजेंद्र जी ठीक है, वंदना जी को बोलने दें। हाँ वंदना जी, जवाब जी की बात का मैं जवाब दे दूं। मुझे लगता है डिबेट को कहीं ना कहीं डिरेल करने की कोशिश की जा रही है। मैंने शुरुआत में ही बता दिया कि जो फोटो आवाज इको हो रही है, आप उसको ठीक करा सकते हैं क्या? ठीक है वंदना जी, मैं ये फोन अलग कर रही हूँ और बोल जी जी। ठीक है आप अपनी बात रखिए, मैं उसको सही करवाता हूँ। जो है वो कह रहे कि हटवा दिया गया, फोटो तो हटवा ही नहीं गई। अगर पहले लग रही होती और उसको हटा दिया गया होता तब ये प्रश्न उठाते, लेकिन ये यहाँ पर प्योर राजनीति हो रही है। यहाँ पे सिर्फ राजनीति की बात कर रहे हैं। बजरंग दास गर्ग जी, चौधरी चरण सिंह जी का बहुत सम्मान सम्मान दे रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन जिनके जीवित रहते हुए जिन्होंने सम्मान नहीं किया, आज वो इस तरह के प्रश्न उठा रहे हैं। आपको सोचना चाहिए, मतलब जनता पार्टी से करके आपने सरकार बनाई थी, तो जिनके जीवित रहते सम्मान नहीं दिया, आज यहाँ पर आप प्रश्न की आवश्यकता है। जहां तक रेणु जी की बात है, उन्होंने यहाँ पर एक टीचर की बात करी कि जो एक टीचर थे उन्होंने प्रश्न उठाया और उसके बाद उनकी ट्रांसफर कर दी गई, तो मैंने उसके बारे में भी जानकारी ली। उन टीचर्स ने जो लेक्चरर हैं उन्होंने दो बयान दिए। सबसे पहले उन्होंने कहा कि मैंने इस फोटो के बारे में अपने अध्यापक संघ को कहा, और बाद में वो उसको पलट गए कि नहीं, मैंने इसको एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक में कहा, और एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक में वो पिछले 2 महीने से आए ही नहीं थे। तो ये तमाम तरह की राजनीति जो की जा रही है, मुझे लगता है महापुरुषों के नाम पर राजनीति नहीं की जानी चाहिए। जबकि साफ तौर पर हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने भी कहा है कि अगर गलती है तो उसको जरूर जल्दी से जल्दी ठीक कर लेना चाहिए, और जिसकी गलती है उस पर एक्शन भी लेना चाहिए, उसकी तरफ भी सरकार बढ़ रही है। तो राजनीति ना करें यहाँ पर। अगर यहाँ पर प्रशासनिक कोई गलती हुई है, त्रुटि हुई है, तो उसको हमने ठीक करवा दिया है। मुझे लगता है बजरंग दास जी आपको भी सोचना चाहिए कि राजनीति करने का ये मौका सही नहीं है। आप महापुरुषों पे जिनके जीवित रहते आपने सम्मान नहीं किया, आज आप यहाँ पे प्रश्न उठा रहे हैं उनके लिए।
यूनिवर्सिटी का चरण सिंह जी का नाम किसने रखा? कांग्रेस पार्टी ने रखा था, कांग्रेस की देन है। और जहां तक कि हमारे जो किसान नेता है जो पहले कांग्रेस के अंदर ही थे, ये सम्मान की बात करते हैं। इनका काम है, मुख्य काम जात पात के दंगे करवाना। मैं खुले तौर पे कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी का मुख्य एजेंडा क्या है? भाई को भाई से लड़ाना और देश में और प्रदेश में दंगे करवाना। ये वोट की राजनीति करते हैं। जिस प्रकार यूपी में चुनाव है, अब वहां एक ही मुद्दा है, कोई विकास की बात नहीं, वहां सिर्फ एक मुद्दा है, हिंदू मुसलमान। इन्होंने क्या है, वहां हिंदू मुसलमान के नाम पर दंगे करवाने का काम कर रखा है, ताकि हिंदू जो वोट हमें मिल जाए और लोग डर के मारे। वहां नारा क्या देते हैं, जाट भाइयों अगर आप हमें वोट नहीं दोगे तो मुसलमानों का राज आ जाएगा, गुंडागर्दी बढ़ जाएगी। और हरियाणा में क्या कहते हैं, भाई जाट और नॉन जाट, हरियाणा में नाट जाट नॉन जाट की लड़ाई की बात करते हैं, और वहां हिंदू मुसलमान की जाटों को डराकर वहां वोट लेना चाहते हैं। और खुद ठीक है गर्ग साहब, देखिए आपको आप दूसरे प्रदेश के विषय में जाएंगे तो उसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं, फिर दोनों पक्षों को आपको समझना पड़ेगा। हम लोग थोड़ा आज के विषय पर रहते हैं, क्योंकि जिस वीडियो का या फिर जिन स्टेटमेंट का आप जिक्र कर रहे हैं वहां दोनों तरफ से, वहां दोनों तरफ से वो चीजें हैं, दोनों पार्टियां उसमें शामिल हैं। कहता हूं जैन जी जो सवाल किया, चरण सिंह जी उत्तर प्रदेश के थे और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे, देश के हमारे पास में प्रधानमंत्री रहे, आदरणीय पूजनीय है। और ये जो महान पुरुष है, एक चरण सिंह जी की बात नहीं, जितने भी देश के महान पुरुष है वो देश के आदर्श है। और जबकि हरेक की जीवनी स्कूल के पाठ्यक्रम में लागू होनी चाहिए, ताकि बच्चों को पता लगे, युवाओं को पता लगे इन लोगों ने क्या किया, देश की आजादी में लड़ाई लड़ी, देश की आजादी के अंदर काम किया, देश के विकास में काम किया। चरण सिंह जी का मैं बताना चाहता हूँ, इन्होंने अनेकों ऐसी कल्याणकारी योजना किसानों के लिए, गरीबों के लिए लेके आए, यहाँ तक कि जो जमीने थी, जो लोगों को मतलब कई लाख 6 लाख कितने एकड़ जमीने जो थी, वो गरीबों को जो जमीने जो गरीबों के पास नहीं थी उनको कृषि के लिए उन्होंने देने काम किया। खाद बीज अनेकों आइटमें ऐसी थी जो उन्होंने बहुत सस्ते रेटों पे जो किसानों को उपलब्ध करवाने काम किया। डीजल था और जितने भी जो कृषि उपज जो उपकरण थे उनको उन पर जितना भी टैक्स अपने सब जब सफाई आ गई यूनिवर्सिटी प्रशासन ने भी कह दिया, गलती भी मान ली गई, प्रदेश अध्यक्ष भी कह रहे हैं, नेता भी कह रहे हैं कि नहीं जो दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, उसके बाद ये स्टेटमेंट या इस बयानबाजी के क्या मायने? देखिए आयुष जी, आपका जो आज का विषय था ये जरूर था कि इसमें सबके सामने बात आनी चाहिए कि कहां पे त्रुटि रही और किस प्रकार से बात हुई, सरकार का क्या दोष है। मैं अभी मेरे बड़े भाई हैं बजरंग दास जी, मैं इनका बड़ा सम्मान करता, लेकिन एक बात इन्होंने कही कि मेरे सहयोगी दल है हमारे भारतीय जनता पार्टी, उसके ऊपर आरोप लगाए लड़ाने का चुनाव। देखिए एक व्यवहारिक सी बात, यदि आज 5 राज्यों में चुनाव है और उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है, उसके अंदर चुनाव है, चौधरी चरण सिंह जी का पूरे देश के अंदर सम्मान है, ये व्यवहारिक सी बात है कि इस चुनाव बोर्ड पे कोई भी, वैसे तो कभी भी मंशा नहीं रहती गठबंधन सरकार की, कभी मंशा नहीं रही कि महापुरुषों का सम्मान ना हो, लेकिन इस टाइम पर ऐसी गलती कौन करेगा? एक व्यवहारिक सा प्रश्न है कि जिसको करने से दूसरे राज्यों में, इन्होंने वोट की बात की है कि चुनाव के अंदर फर्क पड़े, आ बैल मुझे मार या अपने पांव पे कुल्हाड़ी कौन, ये एक एडमिनिस्ट्रेशन की वहां की लगा लीजिए, वहां के सिस्टम की लगा लीजिए, एम्प्लॉइज की लगा लीजिए, वो गलती थी जिसको सरकार ने संज्ञान लेते हुए एक सीधा सीधा कहा कि इसे ठीक किया जाए। और मैं आपको विश्वास भी दिलाता हूं कि महापुरुषों के सम्मान में कमी नहीं, जो भी गलती करेगा, ये व्यवहारिक बात है कि इसमें सरकार सम्मान करती आई है और आगे भी सम्मान करेगी, चुनाव के दौर में इस प्रकार की कोई गलती नहीं करेगा, चाहे वो सरकार कांग्रेस की भी होती या किसी और दल की सरकार होती, वो इस समय चुनाव के दौर में चाहते हुए भी यदि किसी की मंशाओं को भी इस प्रकार का कार्य, ये वहां की यूनिवर्सिटी लेवल की बात थी, जिनकी गलती निकल कर आएगी हम पूरे इस बात के पक्षधर हैं कि इस विषय के ऊपर उनके ऊपर कार्रवाई हो, ताकि भविष्य में भी किसी भी तरह की महापुरुषों के सम्मान के साथ किसी तरह की छेड़छाड़ ना की जाए। जी आयुष, विजेंद्र रेडू जी,
जी आयुष जी, देखिए अभी दमदमा भाई साहब कह रहे थे, उन्होंने अपना स्पष्टीकरण दिया। देखिए ओम प्रकाश धनखड़ जी का बयान आया, कितने दिन बाद आया। अगर सरकार गंभीर होती तो गलती का तुरंत पता मिलते ही सरकार एक्शन में आती। आज भी सरकार एक्शन में नहीं आई। पार्टी अध्यक्ष कह रहे हैं, सरकार के अध्यक्ष क्यों नहीं कह रहे हैं? सरकार के अध्यक्ष ने क्यों नहीं स्टेटमेंट दिया दमदमा साहब अब तक? और उधर दिग्विजय ने बयान दिया है कि ये गलत हुआ, फोटो छपना चाहिए था। दुष्यंत जी क्यों नहीं इसके ऊपर खुल करके सामने आ रहे हैं? मुख्यमंत्री जी क्यों नहीं खुल करके सामने आ रहे? वो पीछे क्यों हटे? सरकार क्यों नहीं बोल रही है? पार्टियां बोल रही हैं, पार्टी वर्सेस सरकार। बेशक आपकी पार्टी की सरकार है लेकिन पार्टी बोल रही है, सरकार नहीं बोल रही है। सरकार ने अब तक भी नहीं बोला है। ये इसलिए नहीं बोला क्योंकि उनके इशारे पर ही ये सब कुछ हुआ है। नहीं तो उधर बंसीलाल जी की भी फोटो हटा दी भिवानी से, इधर से ये फोटो हटा दी। मेरे भाई ये जो महापुरुष है, अभी थोड़ी देर पहले एक साथी ने कहा था कि शायद पार्टियों के महापुरुष होने शुरू हो गए हैं। ये बड़े देश के लिए दुर्भाग्य की बात है कि आज महापुरुष पार्टियों में बांटे जा रहे हैं। बहुत कितने बट गए हैं विजेंद्र रेड्डी जी, किसी के कोई महापुरुष है, किसी के कोई महापुरुष है, किसी का सीखा तो एकाधिकार है किसी महापुरुष के ऊपर। नहीं नहीं नहीं, कोई किसी का अधिकार नहीं। हम तो सभी को मानते हैं, चाहे सरदार वल्लभ भाई पटेल की इतनी ऊंची प्रतिमा लगाई, वो हमारे भी महापुरुष है, सभी के महापुरुष है, देश के महापुरुष है, ज्योतिबा फुले सभी के महापुरुष है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभी के महापुरुष है, साऊ देवीलाल जी सभी के महापुरुष है, छोटूराम सभी के महापुरुष, सभी महापुरुष सभी के महापुरुष है। लेकिन एक नई प्रथा की शुरुआत की जा रही है जिससे बचना चाहिए, और जो एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए अच्छी परंपरा शुरू नहीं हो रही है, एक घटिया परंपरा शुरू की जा रही है, इससे बचना। लेकिन विजेंद्र जी अभी आपका आपत्ति क्या है? देखिए एक गलती थी जिस गलती को माना गया, आप कह रहे हैं कि नहीं गलती नहीं थी, ये जानबूझ करके किया गया, उसके लिए जांच की भी बात है, जो दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई की भी बात कही जा रही है। अब इसमें आपत्ति किस विषय पर है अभी आपकी? आयुष जी मुझे आपत्ति मुझे नहीं, हमारी पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को ये आपत्ति है कि ये सरकार ने स्वयं संज्ञान क्यों नहीं लिया। जब किसानों ने प्रेशर डाला, किसानों ने वहां पर धरना प्रदर्शन देने की बातें की, किसानों ने कहा कि हम यूनिवर्सिटी के चारों गेट बंद कर देंगे, इसके बावजूद भी ओएसडीजी ये कहते रहे कि हम इसको सुधार देंगे सुधार देंगे। जब हिसार के किसान सभा के अध्यक्ष ने ये बात रखी कि नहीं हमें डेडलाइन दीजिए कि कब तक सुधर जाएगा, तब उन्होंने कहा चार दिन हमें दे दो, चार दिन में हम सुधार देंगे। यहां मनसा गलत महसूस हो रही है आयोग की। चक्कर ये है कि मनसा, बेशक उन्होंने गलती मान ली, सफाई दे दी, माफी मांग ली, लेकिन क्यों कब मांगी? प्रेशर डालने के बाद मांगी। वंदना जी मंशा पर सवाल उठा रहे हैं कि आप लोगों को तुरंत इस पर स्वतः संज्ञान ले लेना चाहिए था। अगर किसान दबाव बनाने के लिए वहां पर पहुंचे उसके बाद मान रहे हैं तो सवाल लाजमी है। वंदना जी देखिए, एक यूनिवर्सिटी के अंदर अगर जो कैलेंडर छप रहा है उसकी जब जानकारी आई तभी उसके बारे में पता चला और इमीडिएटली उसके सामने एक्शन भी हो गया। अभी जो ये कह रहे हैं कि वहां पर जो लोग बैठे हुए थे, रेडू जी एक बार मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूं, आपके बीच में मैं नहीं बोली थी तो मैं अपनी बात कंप्लीट कर। आपने कहा कि उनको कहा गया कि सभी की यहाँ पर बात कर रहे थे, तो मैं आपको बताना चाहूंगी जो उनके वीसी के ओएसडी थे उन्होंने कहा कि हम इसको दो दिन में ठीक कर देंगे। तो उन्होंने ये नहीं कहा कि चार दिन में ठीक कर दो, पांच दिन में। उन्होंने बोला जितना आपको समय चाहिए वो हमें एग्जैक्ट समय बता दो, एक सप्ताह बता दो, पर मुझे ये बता दो, हमें ये बता दो ये कितने समय में ठीक हो जाएगा। तो आप उसको चीजों को पलट कर या अपने हिसाब से बोलेंगे तो वो सही नहीं है। यहाँ पर अभी आपने एक प्रश्न भी किया आयुष जी, और यहाँ पर सभी जिक्र भी कर रहे थे कि पार्टी के महापुरुष, जो अपनी पार्टी के महापुरुषों को ना पूछे उनको आप क्या कहेंगे? हमारे लिए तो सभी महापुरुष हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के रहे हो, देश के महापुरुष हमारे लिए महापुरुष हैं। मुझे याद है जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव जी, जब उनकी डेथ हुई थी तो उनकी डेड बॉडी पार्टी कार्यालय के सामने बाहर कितने घंटे खड़ी रही, उनको अंदर जाने की इजाजत नहीं दी गई, दिल्ली में उनका अंतिम संस्कार नहीं उन्हें दिया गया, ये सब हमने देखा है। तो पार्टी के महापुरुषों वाला मामला इनके यहाँ पर होता है, पार्टी में भी गिने चुने महापुरुष होते हैं इनके, और बाकी महापुरुष नहीं होते कि किस प्रकार से वोटिंग हुई थी पटेल जी के नाम पर और प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी, तो ये हमने देखा है। लेकिन एक इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर मैं जरूर कहना चाहूंगी कि रेणु जी ने कहा कि सब क्यों नहीं बोल रहे, मतलब क्या जरूरी है कि आप चाहते हैं कि राजनीति का इशू बन जाए कि सब बोले एक इशू पर? जब एक कहा गया कि एक मिस्टेक हुई है उसको हमने ठीक कर लिया है, और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बोल रहे हैं, यहाँ पर जेजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो भी बोल रहे हैं इसके, उसके बावजूद भी आप चाहते हैं ये भी बोले ये भी बोले ये भी बोले, क्योंकि आप इसको राजनीति का मुद्दा बनाना चाहते हैं। हम कह रहे हैं प्रशासन चूक गया, हमने इसको ठीक कर दिया है, और कहीं पर भी पहले फोटोग्राफ नहीं थी, अभी भी फोटोग्राफ
लगाई गई है, हमने जन भावना को देखते हुए उसको फोटोग्राफ को लगा दिया गया है। सबसे पहले अभी यहाँ पर बजरंग दास गर्ग जी बहुत बड़ी बड़ी बात कर रहे थे, हमने यूनिवर्सिटी बनाई, ये किया वो किया, आपको बताना चाहूंगी एक ये आपने बनाई क्या बहन जी, आपने बनाई है क्या, आपने किसी ड्रोन से खींच कर वो भी कैलेंडर में लगाई गई उस प्रतिमा की फोटो, अगर आप उस कैलेंडर को देखें तो उस प्रतिमा की फोटो है उसके अंदर। तो हमारी तरफ से ऐसा नहीं है कि हम सम्मान नहीं करना चाहते थे, यूनिवर्सिटी ने अपनी तरफ से कोशिश की है, लेकिन फिर भी यूनिवर्सिटी में कहीं से गलती हुई है तो उसमें सुधार की गुंजाइश है। इसका मतलब ये नहीं है कि महापुरुषों पर सम्मान, गर्ग साहब गलती को स्वीकार करने के बाद सुधार की बात अगर कह दी जाए तो उसके बाद उसके अलावा क्या बात रह जाती है, तो फिर अगर उस पर बयानबाजियां करते रहेंगे तो इफ्ट में तो बहुत कुछ निकलेगा। गर्ग साहब गलती तो स्वीकार कर ही रहे हैं। मैम आपको हकीकत क्या है, किसान जो सड़कों पे उतरे आज उन्होंने जोरदार प्रदर्शन आज भी किया कल भी किया, यूनिवर्सिटी गेट को आज मैं खुद यूनिवर्सिटी के चारों तरफ जाकर आया था, सारे गेट बंद थे यूनिवर्सिटी के, चौथे नंबर गेट के ऊपर सैकड़ों किसानों ने जोरदार आंदोलन किया है। अच्छा आज भी बयान आ गया, आज तक मुख्यमंत्री का बयान क्यों नहीं आया, आज तक शंकर जी आज बोल रहे हैं उसी टाइम एक्शन लेना चाहिए था, बीसी को तुरंत प्रभाव से हटाया जाना चाहिए था, ये गलती नहीं है, ये जानबूझ के एक साजिश के तहत महान पुरुषों को नाम खत्म करने की एक साजिश है। जो महान पुरुष है जो किसान नेता है ये पता है, चौधरी चरण सिंह जी है, चौधरी देवीलाल जी है, किसान नेता है, इनके नाम की वोट मिलती है, इनके नाम के गर्ग साहब भाई इससे तो नुकसान ही होगा ना, यही तो बेसिक सवाल भाग सिंह दमदमा जी ने भी उठाया था, थोड़ा सा लॉजिक भी अगर उसमें लगाएंगे भाई, ये उनकी फोटो हटा करके उससे फायदे की बजाय ज्यादा नुकसान हो जाएगा। मैं यही समझाना चाहता हूँ आयुष जी, इनको पता है किसान इनसे दूर हो चुके हैं, किसान चौधरी चरण सिंह की फोटो हटा देने से क्या किसान पास आ जाएगा क्या? चौधरी चरण सिंह की फोटो हटा देने से तो जो आप बात कह रहे हैं अगर उसको मैं मान भी लूं तो वो किसान तो और दूर हो जाएगा। यही वो क्यों हटाएंगे, कोई पार्टी क्यों हटाएगी भाई, ये कोई पार्टी क्यों हटा देगी, ये दिखाना चाहेंगे कि देख लो हमने किसानों के जाटों के साथ क्या किया। अरे नहीं गर्ग साहब आप एक राजनेता हैं, मुझे लगता है इतनी इससे ज्यादा राजनीतिक समझ तो आपके पास है। आयुष जी हकीकत बात यही है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, थोड़ा लॉजिक तो उसके पीछे होना चाहिए भाई। उनका फायदा क्या है? करते हैं क्या फायदा भाई, देखिए राजनीतिक पार्टियां कम से कम चुनाव में तो नफा नुकसान देख लेती हैं ना अपना। चरण सिंह की फोटो हटा देंगे, चरण सिंह की फोटो हटा देंगे एक प्रदेश के अंदर जहाँ वो मुख्यमंत्री रहे, उत्तर प्रदेश जहाँ पर चुनाव में समय सबसे ज्यादा सरगर्मियां हैं, सबसे ज्यादा नुकसान हो जाएगा, क्यों हटाएगा कोई, क्यों हटाएगा? भाग सिंह दमदमा जी, आयुष जी सामाजिक तौर पर या कानूनी तौर पर भी यदि कोई बात हो जाती है तो उस बात के पीछे हमेशा जो बुजुर्ग भी कहते हैं कि मेंसीरिया के ऐसा क्या कारण थे जो ये कार्य, और कई बार इस प्रकार से मेंसीरिया तय करता है कि किस प्रकार से, लेकिन आज के जो हालात है वो क्लियर कर दो। जिस प्रकार से मेरे बड़े भाई बजरंग दास गर्ग जी एक सीधे सीधे देखो हमने क्या कर दिया, देखो किसानों हमने ये कर दिया, कौन कहेगा इस प्रकार से, कौन सा राजनीतिक दल है, कौन चुनाव लड़ते? मैं कहता हूं कि आपका भी एडमिनिस्ट्रेटर यदि कहीं आपकी सरकार है तो वो भी इस प्रकार की गलती करते हैं। ये नहीं कहते कि वो आपने की है, हाँ एडमिनिस्ट्रेटर लेवल पे हुई है और उन्होंने ओएसजी ने इस चीज की क्षमा मांग ली है कि हमसे गलती हुई है। मेरा ख्याल है कि इस बात को यहाँ खत्म होना चाहिए और जब सरकार पूरी तरह से साथ है इस मसले एक सेकंड लूंगा बीच में। बाघ सिंह जी आप बताइए, प्रधानमंत्री जी ने घोषणा करने के बाद किसान से फैसला करने के बाद लेटर देने के बाद तीन बातें उन्होंने मान ली, एक बात भी आज 56 दिन हो गए एक बात भी उन्होंने पास की है? तीन बातें उन्होंने मानी, मुकदमे की बात थी, मुआवजे की बात थी और तीन एमएसपी गारंटी कानून की बात आपके सामने भाग सिंह जी है, कमेटी बनाने की बात थी, 56 दिन में कमेटी नहीं बना पाए, आप इनसे क्या उम्मीद करेंगे? हम जो प्रधानमंत्री जी की बात है तो देश का प्रधानमंत्री जी भी घोषणा करने के बाद वायदा करने के बाद 56 दिन में उसको लागू नहीं कर पा रहे हैं, ये सब चीजें आ चुकी है, आप लोगों की बातों में नहीं आएगा कोई, लेकिन कैलेंडर वापिस होंगे,
जो गलत हुआ है उनके ऊपर कार्रवाई होगी और पूरी तरह से चौधरी चरण सिंह जी का हमारे देश के जो लेकिन थोड़ा समय तो लगेगा ना उसमें, उसके कारणों में जाना पड़ेगा, समय तो लगेगा ना, मिनट में फैसला कैसे हो जाएगा? क्या चलिए ठीक है, आज गलती मानी, वीसी को हटा दिया तुरंत, थोड़ा सा समय तो लगेगा साहब। एक सौ कसूरवार निकल जाए, एक बेकसूर ना, उस चीज के लिए थोड़ा पता लगाने का समय चाहिए। हम बेकसूर को किसी को सूली पर चढ़ाने का पक्षधर नहीं है, लेकिन कहते हैं कि जिसका कसूर है, जिसने गलती की है, उसे दंड जरूर मिलना चाहिए और हमें विश्वास है उसे दंड जरूर मिले। रेडू साहब जवाब दीजिए, चूंकि क्या सबका कहना जरूरी है कि पूरी सरकार की तरफ से या सारे जितने नेता मंत्री हैं सब कहें तभी आपको लगेगा कि कार्रवाई होगी? भाई बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट कह रहे हैं इस बात को, इंसो के हेड कह रहे हैं इस बात को, तो कम से कम थोड़ा भरोसा किया जा सकता है। आयुष जी, मैंने ये नहीं कहा कि सभी कहें, मैंने कहा कि प्रदेश की सरकार का मुखिया कहे, पार्टी का मुखिया एक अलग है, प्रदेश की सरकार एक्शन ले सकती है, पार्टी का मुखिया कोई एक्शन नहीं ले सकता, उसके हाथ में वो पावर नहीं होती है। स्टेट का जो मुखिया है, गवर्नमेंट का जो मुखिया है, चीफ मिनिस्टर है या डिप्टी मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर है, वो क्यों नहीं सामने आया इसके बाद? मेरा क्वेश्चन ये था, बेसन पार्टी अध्यक्ष ना बोले और कोई डिप्टी से वो ना बोले, दिग्विजय जी ना बोले, लेकिन डिप्टी सीएम और सीएम को बोलना चाहिए इस मुद्दे के ऊपर, उसको आना चाहिए। अगली बात आयुष जी मैं कहूंगा, क्योंकि ये देखिए एक बड़ी सोशल बात है और एक अंडरस्टैंडिंग की बात, जिस प्रकार से अभी भाई बजरंगदास जी ने भी मुद्दा उठाया, बिल्कुल सत्य है, कितनी बार मतलब 13 महीने तक यानी 378 दिनों तक आंदोलन चला, बड़ी जो काफी डिबेट के बाद, काफी लंबा चलने के बाद एक फैसला हुआ कि तीन कानून वापस ले लिए गए और ये शर्तें मान ली गई और उनके ऊपर तुरंत प्रभाव से एक्शन करने के लिए बात कही गई। अब शंका यहाँ होती है आयुष जी, उनके ऊपर जरा सा भी कार्रवाई आगे नहीं बढ़ाई, कोई कार्रवाई नहीं की, बस ताड़ा टोल प्लाजा पर वहां के एसडी आयुष सिन्हा के खिलाफ इंक्वायरी बिठाई और उसके ऊपर एक्शन लेने का काम किया, बयान आए उसमें तो गवर्नमेंट के भी बयान आए थे, उचित कार्रवाई की जाएगी, उसको प्रमोशन देकर के नाम देकर प्रमोशन दे दिया, नाम दे दिया उसको। इसी प्रकार से यहाँ पर भी देखना, वीसी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं होगा, मैं आज आपके चैनल के सामने कह रहा हूँ, पूरा हिंदुस्तान इसको सुन रहा है, बिल्कुल कोई एक्शन नहीं होगा, लिपापोती की जाएगी, बात को दबा दिया जाएगा, नए कैलेंडर छपवा दिए जाएंगे, नए कैलेंडर आ जाएंगे, ये बात सही है, आ जाएंगे नए कैलेंडर, लेकिन कैसे आए? क्योंकि विरोध ज्यादा होगा, अगर किसान नहीं जागते, किसान नहीं खड़े होते, तो जरा सी भी कोई कार्रवाई नहीं होनी थी, ये बिल्कुल कटु सत्य है। और आयुष जी, इन सब बातों को लेकर के, चाहे बस्ताड़ा टोल प्लाजा वाली घटना हो, चाहे हिसार जो एक कोरोना काल में एक हॉस्पिटल बनाया था वहां की घटना हो, चाहे बिक्री बॉर्डर की हो, चाहे सिंह बॉर्डर की हो, जितने भी वायदे सरकार ने किए किसानों के साथ, वायदा खिलाफी की, जिसका परिणाम यह हुआ कि किसानों ने वायदा खिलाफी दिवस भी मनाने का काम किया 31 जनवरी को। इसलिए कहीं ना कहीं ऐसे कहते हैं घाव के ऊपर नमक छिड़कने वाली बात, चरण सिंह किसानों के नेता थे, मसीहा रहे हैं, गरीबों के मसीहा रहे हैं, ऐसे मौके में एक तो किसानों को इतने घाव दे रखे हैं इस सरकार ने, हरियाणा की गठबंधन सरकार ने भी बहुत घाव दे रखे हैं, उन्होंने कुछ नहीं किया किसानों के लिए, ऊपर से उनके और ये करके उस पे नमक छिड़कने का काम करें। ठीक है, चलिए मैं जवाब लेता हूँ। वंदना जी, वंदना जी, ये बात तो उठेगी आयुष, मैंने शुरुआत में ही कहा था आयुष की इनका जो काम है विपक्षी पार्टियों का कहीं ना कहीं राजनीति करने का है, जो इनको सूटेबल लगता है ये वही बोलते हैं। अभी मैं बजरंग दास गर्ग जी को भी पहले भी सुन रही थी, रवि मिश्रा की बजरंगदास गर्ग जी सुनिए, बजरंगदास गर्ग जी, देखिए पूरा समय दे रहा हूँ ना मैं, इसीलिए सबको पूरा समय दे रहा हूँ। बजरंगदास जी मैं आपके बीच में नहीं बोली थी, वंदना जी बात रखिए, वंदना जी बात रखिए, अरे डर क्यों रहे, अभी तो शुरुआत हुई है। देखिए मेरे को अभी इन्फॉर्मेशन भी आई है कि मेरी आवाज नहीं आ रही है, सिर्फ इनकी आवाज आ रही है टीवी पर, तो मैं चाहती हूँ कि जो दर्शक है वो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू भी समझे, तो सुने, इसके लिए इनको चुप रहना ही पड़ेगा जी। मेरे बारे आप जितना मर्जी बोलिए, जितना मर्जी आरोप लगाइए, मैं जवाब दूंगी, लेकिन मैं आपके बीच में नहीं बोली थी, आप भी मेरे बीच में मत बोलिएगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात मैंने कहा कि बिल्कुल पूर्ण
शुद्ध रूप से राजनीति करना जानते हैं। तमाम बचकाने इन्होंने यहाँ पर बयान दे दिए कि फोटो इसलिए हटाए क्योंकि किसानों को दिखाना चाहते हैं कि देखो हमने फोटो हटा दी, तो आपने भी उस पर आपत्ति जताई। इन्होंने फिर यूपी की बात करी, यूपी के इलेक्शन की तरफ ले गए, फिर इन्होंने जातिगत की बात की थी, जातिगत क्या होता था, किसान यूनिवर्सिटी घेरी लिया, आज प्रदर्शन नहीं किया किसानों ने, अपनी मर्जी से फोटो लगाने जा रहे हो, आपने पहले बयान क्यों नहीं दिया, ठीक है गर्ग साहब, गर्ग साहब सुनिए, गर्ग साहब सुनिए, गर्ग साहब सुनिए, गर्ग साहब अपनी बारी में आराम से बोलिएगा, गर्ग साहब देखिए आपको जब मैं समय दूंगा आराम से बोलिएगा ना, वंदना जी की बात को खूब काउंटर करिएगा, लेकिन आप भी सुनिए, देखिए इस तरीके से कोई फायदा नहीं होता ना, ये केवल समय की बर्बादी होती है, केवल समय की बर्बादी होती है। वंदना जी नहीं नहीं ठीक है, गर्ग साहब आपकी आपत्ति सही है, लेकिन अपने समय पर, वंदना जी वंदना जी समय की बर्बादी कर साहब, समय खराब हो रहा खाली। वंदना जी वंदना जी जी, इन्होंने यहाँ पे भी यूपी इलेक्शन की बात की, तो यूपी इलेक्शन में जब ये कह रहे थे तो मुझे लगता है इनको आदिल चौधरी का बयान भी सुनवाना चाहिए, जब ये कह रहे थे कि वहां पर जाति में बांट दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, तो वो क्या कह रहे हैं कि इंशा अल्लाह सरकार आ रही है हमारी, एक एक को चुन चुन कर देख लेंगे, कहना नहीं चाहते। वंदना जी देखिए इसलिए मैंने कहा ना कि अगर आप वहां जाएंगे तो वहां बहुत सारे बयान हैं, इसलिए मैं उस विषय में नहीं जाना चाहता था, इसलिए मैंने उनको भी टोका आपको भी टोका, क्योंकि वहां दोनों तरफ से, वहां दोनों तरफ से, इसलिए मैं मुझे पता है इसलिए आज के विषय पर आ रहा हूं। ये जनता तय करेगी ना गर्ग साहब, कौन देश में हिंदू मुस्लिम कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, जनता तय करती है, हर पांच पांच साल पे जनता तय करती है गर्ग साहब, गर्ग साहब आखिर जनता की अदालत में जब जाते हैं तो जनता तय कर देती है। अब सुन ले, अब थोड़ा आज के विषय पर सुनते हैं, राहुल गांधी मंदिर जाने लगे, कोर्ट पे जनेऊ डालने लगे, क्यों डालने लगे सबको मालूम है, कि किस पर रेणु साहब ने भी अभी क्या कहा कि सरकार ने जवाब क्यों नहीं दिया, अभी वो करनाल में पहुंच गए, फिर उन्होंने वीसी को संगी बना दिया, क्या पता ये आरएसएस से भी जवाब मांग ले, फिर पार्टी से जवाब मांग ले, फिर सरकार से जवाब मांग ले, जबकि ये यूनिवर्सिटी की तरफ से क्लियर कर दिया गया कि ये एक प्रशासनिक चूक थी, इसको ठीक कर दिया गया है। तो मेरा अनुरोध है कि ये इलेक्शन बोर्ड में आप इलेक्शन समय में आप इसको यहाँ पर हरियाणा में बैठ कर सोचेंगे कि मुद्दा बन जाएगा, तो मुद्दा नहीं बनेगा, क्योंकि मुझे मालूम है कि प्रशासनिक चूक है तो जनता भी इस चीज को समझती है, यूनिवर्सिटी ने इमीडिएटली उसको ठीक करने का काम भी किया है, आप देखेंगे कि सोमवार तक नए कैलेंडर भी छपकर आ जाएंगे और भिवानी में भी जो चूक हुई है वो ठीक हो जाएगी, तो इसके इस पे राजनीति करने की आवश्यकता नहीं है। आप किसी बात के साथ चर्चा मुझे यही समाप्त करनी पड़ेगी, बहुत शुक्रिया आप लोगों का समय निकालने के लिए, चर्चा का हिस्सा बनने के लिए, आज बड़ी बहस तो मेरे साथ फिलहाल इतना ही।